आज इस कार्यक्रम में उपस्थित किसान भाइयों और मंच पर बैठे हुए मेरे सभी परिजन भी हैं, मित्र भी हैं, परिवार के ही सभी सदस्य हैं, मैं सभी का हृदय से सम्मान करते हुए इस ऑर्गेनिक समिट में इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी जितने भी तंत्र इसमें लगे हैं सभी को हृदय से सम्मान करता हूं। और इस सभागार में आए भी और इस मेले में आए भी सभी किसान भाइयों से कुछ निवेदन भी करता हूं। साथियों, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहें, जैविक खेती कहें, ये प्रकृति के साथ जीने की एक विधा है। और यदि हम प्रकृति को ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो इस विधा को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। इस विधा को समझने के लिए हमें तीन बातों को अलग अलग समझना है। पहली बात कि पूरी प्रकृति की व्यवस्था का स्वरूप क्या है, और इसके लिए ना हमें कहीं इतिहास में जाने की ज़रूरत है, ना कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है। प्रकृति की एक खुली हुई किताब आपके सामने है। मौसम बदलते हैं, बरसात होती है, बीज उगते हैं, उत्पादन होता है, ये मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, ये प्रकृति की अपनी व्यवस्था है। हम उस व्यवस्था के ही छोटे छोटे सूत्रों को यदि ठीक ढंग से समझ लेते हैं तो ऑर्गेनिक खेती इतनी सरल विधा है कि जिसमें समझने का काम ही सबसे प्रमुख है, करने का काम बिल्कुल कम है और लागत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम अपने अंदर जब झांक कर देखते हैं तो तीन पूंजी हमको दिखती हैं, तन, मन और धन। मन का मतलब है समझना, तन का मतलब है मेहनत करना और धन का मतलब है अपने कार्य को सुविधा देना या गति देना। तो समझने की भूमिका क्या है, आज इस सभागार में जितने भी किसान भाई मेरे यहाँ आए हुए हैं, जिनके पास यदि नोट करने के लिए कुछ है तो वो नोट जरूर कर लें। मोटी मोटी बातें हैं, ज़्यादा गंभीर मुद्दा नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और इसमें किसानों की आमदनी भी इसी में, राष्ट्र की आमदनी भी इसी में, प्रकृति के साथ उठे हुए सवालों के उत्तर भी इसी में, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके उत्तर भी इसी में, आदमी के स्वास्थ्य को लिए खतरा है उसके उत्तर भी इसी में। ये बहुत एक कंप्लीट फिगर है, पर यदि हम ठीक ढंग से नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं विरोधाभास, प्रतिक्रियाएँ, शंकाएँ, संदेह, भय हमारे अंदर बना रहता है। मैं एक छोटा सा सूत्र आपको बताना चाहता हूँ। प्रकृति का जो सबसे पहला सूत्र है वो है सह अस्तित्व। धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षी तीनों मिलकर काम करते हैं। ये जो तीनों मिलकर काम करते हैं, इनके काम करने का एक ही सूत्र है, वो है पूरकता। हर इकाई दूसरी इकाई के लिए पूरक है। धरती पेड़ पौधों के लिए पूरक है, पेड़ पौधे धरती के लिए पूरक हैं। इसलिए पेड़ पौधों के जरिए धरती की उर्वरता बढ़ती है। धरती और पेड़ पौधे मिलकर पशु पक्षियों के लिए पूरक हैं, और पशु पक्षियों के लिए भी ये पूरकता उनकी उपयोगिता में बदल जाती है। आदमी के लिए धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षी तीनों निःशुल्क उपलब्ध हैं, कोई पैसा नहीं खर्च करना। अब सोचने का सवाल ये है कि जनसंख्या में सबसे कम इस धरती पर मनुष्य है, और तादाद में धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षी बहुत ज़्यादा हैं, फिर मनुष्य का संकट क्या है? मनुष्य का संकट है कि ये प्रकृति की व्यवस्था को समझना नहीं चाहता, ये प्रकृति की व्यवस्था के समानांतर एक नई व्यवस्था खड़ी करने की बात करता है। बस यहीं से एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तो जैविक खेती की एक छोटी सी परिभाषा है कि प्रकृति की व्यवस्था को समझकर उसके साथ उत्पादन कार्य को संपन्न करना और अपनी शरीर उपयोगी आवश्यकताओं को निरंतर निरंतर पूरे करते हुए आगे बढ़ना। बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा चैप्टर नहीं है, मैंने विगत 40 वर्षों में इसको बहुत आसानी से देखा है।
और जैविक खेती के बराबर इकोनॉमी किसी खेती के नहीं है। ये आपको मैं एक छोटा सा सूत्र बता देता हूँ कि एक दाने से हज़ार दाने पैदा होते हैं। धरती की ना कोई मशीन ऐसी है कि जिसमें एक दाना डालकर आप दो दाना नहीं निकाल सकते, लेकिन आपके किसान के पास जमीन एक ऐसी संपदा है कि जहाँ एक दाना डालते हैं और हज़ार दाने निकलने का एक व्यवस्था है। सवाल ये उठता है कि हज़ार दाने किसान ने निकाले, फिर किसान की गरीबी का कारण क्या है? तो किसान की गरीबी का कारण यदि समझेंगे नहीं तो हम अपने आर्थिक संतुलन के लिए कुछ का कुछ करते रहेंगे, खोजते रहेंगे। आर्थिक असंतुलन का कारण एक ही है कि आज़ादी के बाद जब हमने आधुनिक खेती को अपनाया, उस समय भुखमरी थी, देश में ज़रूरत थी, सभी वर्गों ने मिलकर आधुनिक खेती पर एक बड़ा काम किया, सफलता मिली। लेकिन उस समय हमसे एक चूक हुई थी। क्या चूक थी? कि हमने लक्ष्य बनाया था भुखमरी को और हमने कानून बनाए थे व्यापार के। इन दोनों बातों को किसान भाई ज़रूर ध्यान से सुन लें। खेती का लक्ष्य निर्धारित हुआ था कि अधिकतम उत्पादन बढ़ाना है, और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसानों को जो लागत है वो कहाँ से खरीदनी है, किसानों को अपना सामान कहाँ पर बेचना है और कंज्यूमर को सामान कैसे मिलना है, इसका एक तंत्र स्थापित हुआ पूरे देश में और उसका नाम था व्यापार तंत्र। कृषि व्यापार कानून के जरिए एक व्यवस्था पूरे देश ने बनाई। दुर्भाग्य ये हुआ कि जो व्यापारी वर्ग था उसने, जब हम लागत खरीदने बाजार में गए तो जुताई हमसे छीन ली, सिंचाई हमसे छीनी, खाद हमसे छीना, बाजार हमसे छीना, बीज हमसे छीना, दवाइयां हमसे छीनी। हम इन सब चीज़ों को लेने के लिए बाजार में पहुंचे। आपको यदि स्पष्ट नहीं हो रहा तो मैं दोबारा दोहराता हूं। आपने ट्रैक्टर खरीदा बाजार से, अब उसका ईंधन खरीदोगे बाजार से, उसका पुर्जा खरीदोगे बाजार से, उसकी मरम्मत होगी बाजार में, तो जुताई किसने की? हमारा समय ज़रूर बचा, हमारी मेहनत भी बची, लेकिन हमारे हाथ का जो पैसा था उत्पादन से पहले बाजार को चला गया। सिंचाई के लिए सारे साधन बाजार से थे और सिंचाई का पूरा पैसा बाजार को चला गया। खाद के लिए हम बाजार गए, बीज के लिए हम बाजार गए, दवाई के लिए हम बाजार गए, हमारी खेती करने से पहले हमारी जेब का पैसा बाजार को चला गया। और सही मायने में ये आधुनिक खेती नहीं थी, ये खेती का बाजारीकरण था। खेती के बाजारीकरण को हम समझ नहीं पाए। एक दूसरी घटना और घटी कि जब हम उत्पादन के बाद अपने सामान को बेचने के लिए कहाँ गए? फिर बाजार में गए। उसकी कीमत किसने लगाई? बाजार ने लगाई। उसको अपनी मर्जी से तोला, उस पर अपनी मर्जी से कटौती की और हमें जो कुछ बचा हमारे सौंप दिया। यहाँ पर किसान के पास कोई अधिकार नहीं था। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हमको अपने उत्पादन से कोई चीज़ बनानी है, उसको बनाने की कोई विधा किसानों के पास नहीं थी। कोई किसान परिवार ऐसा नहीं कि जिसमें उत्पादन से बाजार व्यवस्था तक जाने का कोई विधा उसके पास हो। तो प्रसंस्करण का कार्य भी बाजार ने के द्वारा हुआ, और प्रसंस्करण के बाद जो भी उत्पाद बेचे गए कंज्यूमर को, उसका रेट निर्धारण का काम भी बाजार ने किया। तो इधर उत्पादक और उधर कंज्यूमर उपभोक्ता दोनों को भरपूर तरीके से लूटने का काम इस देश ने कृषि व्यापार तंत्र ने किया। आपको मेरी बात कैसी लग रही है? कम से कम एक बार हाथ तो उठा दो, मैं देख तो लूं कि कर क्या रहे हैं आप लोग। कृषि में जिस अर्थव्यवस्था को हम खोजना चाह रहे थे, वो अर्थव्यवस्था हमारी आंख खोलने से पहले बाजार को चली जाती है। इसलिए दुनिया में जैविक खेती के नाम से एक बयार आई, एक व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई। दुनिया के लोगों ने समझा कि ये खेती आगे चलकर जमीन को भी ख़त्म कर देगी, पर्यावरण को भी ख़त्म कर देगी, स्वास्थ्य को भी ख़त्म कर देगी और किसान के स्वावलंबन को भी ख़त्म कर देगी, और किसान गांव उजड़ जाएंगे और देश एक तरीके से, पूरी तरीके से एक निरीह देश के रूप में खड़ा हो जाएगा। ये बड़ी दुर्घटना की बात है। सौभाग्य है कि कई बार प्रकृति के संकट आते तो महामारी के रूप में है, लेकिन एक बड़ा संदेश भी देकर जाते हैं। कोविड-19 के समय
जब दुर्घटना घटी और हम अपने घरों में कैद हुए, उस समय हमको पता लगा कि गांव का महत्व क्या है, किसान का महत्व क्या है और प्रकृति का महत्व क्या है, ये लोगों ने पहचाना। और यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है। दुनिया ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर अपने इरादे बदल दिए। 2014 के बाद में देश में पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने किसानों की आमदनी की बात कही। आप इसको राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल ना देखें, मैं सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि कभी कभी देश में कोई पुरोधा आता है, कोई आवाज़ उठाने वाला आता है जिसने खेती के बारे में बात की हो, किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए। कैसे बढ़ेगी? ये काम सरकार का नहीं है, ये खेती की विधा को बदलने का काम है, हमको उसके पूरा विश्लेषण करने का काम है। और इसी प्रकार से एक दूसरा कार्यक्रम खड़ा हुआ कि जैविक खेती को राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया। आज प्राकृतिक खेती की भी बात हो रही है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। मेरा कोई किसान भाई इसमें कहीं भी अपने अंदर कमज़ोर ना पड़े। किन्हीं को आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ सूझता है वो अपना प्रयास करे, किसी को गाय की सेवा से कुछ सूझता है वो अपना प्रयास करे, किसी को प्रकृति की व्यवस्था में नक्षत्रों को देखकर अपना प्रयास सूझता है वो अपना प्रयास करे। लेकिन एक निवेदन है मेरा इस देश के सभी मनुष्यों से कि किसानों को गुमराह ना करें। किसान बहुत भोला भाला वर्ग है इस देश का। जब मंचों पर खड़े होकर लोग एक दूसरे के तरीकों को प्रतिक्रियाएं करते हैं, विरोध करते हैं, नाना प्रकार के सवाल उठाते हैं और अपने को स्थापित करने के लिए, अपनी विधा को स्थापित करने के लिए एक विशेषज्ञता के आवेश में कुछ का कुछ बोलते हैं, तो उससे राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय कार्यक्रम को धक्का लगता है, कमजोरी आती है। ये सरकारों से लेकर समाज तक का कार्यक्रम है। इसलिए जैविक खेती को भारत सरकार ने 4 टुकड़ों में बांट कर पूरा किया है। पहला काम है उत्पादन का प्रबंधन करने की पूरी योजना, अनुसंधान, शोध, शिक्षा और नीतिगत विषयों को साथ में लेकर पूरी की जाए। ये बहुत छोटा सा काम नहीं है, ये केवल गोबर में गुड़ घोलने का काम नहीं है। ये काम है कि पहले प्रकृति की व्यवस्था को समझना है, हमें अपने अनुसंधान की दिशा बदलनी होगी, हमें शिक्षा बदलनी होगी, हमें अपना शोध कार्य बदलना होगा, हमें विज्ञान के तरीके और तकनीकी के साथ आगे बढ़ने की विधा को समझना होगा। एक सर्वांगीण विकास के साथ राष्ट्र की पूरी विकास की अवधारणा को लेकर जहां वैज्ञानिक भी हमारे साथ हो, जहां नीतिकार भी हमारे साथ हो, जहां किसान भी हमारे साथ हो और सभी कंधे से कंधा मिलाकर चलें, इसकी ज़रूरत है इस देश को। हम यदि अपने तरीकों की विशेषज्ञता में फंसे रहेंगे, उन तरीकों को विशेषज्ञता के आधार पर मैं ठीक हूँ और तुम गलत हो ये भाषा बोलते रहेंगे, इससे मेरा भोला भाला किसान गुमराह होता रहेगा और देश को वो कलंक लगेगा। मैं केवल एक मिनट और लेना चाहता हूँ, आपसे ये कहूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के 4 सेक्टर हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सर्टिफिकेशन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग। यहाँ पर गन्ने को लेकर विपिन सरीन ने एक बड़ा प्रयोग किया है। कई वर्षों के पहले मुलाकात हुई, हमने कहा बेटा गन्ने पर यदि काम करने का मन है तो इस देश में गन्ने के आधार पर किसानों को बहुत उजाड़ा है और यदि आपने संभल कर कोई काम कर दिया तो किसानों को रास्ता मिल जाएगा। आज गौर करके देखेंगे कि एक किसान जो अपने गन्ने को बेचता था, आज वही किसान गन्ने की चुस्की बनाकर बेचता है और पैसा उसके हाथ में आता है और वो जो पैसा हाथ में आता है वो पैसे से केवल अपने लाभ के बारे में नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है कि यदि मेरे पास भरपूर पैसा आता है तो इस पैसे से मैं अपने साथियों को कैसे खड़ा करूँगा। इस देश को ज़रूरत है इस तरीके के अभियान चलाए जाने की। इसलिए जैविक खेती को हल्के में ना लें और मजबूत तरीके से सोचें। आप इस सभागार में आए हैं, मेरा हृदय से आपको प्रणाम है कि राष्ट्रीय जैविक खेती अभियान को एक पर लगाने के लिए किसानों की भरपूर ताकत की ज़रूरत है। सही बात को समझें, सही तरीका अपनाएं और सही खेती करें, अपने परिवार को एक अच्छी संपदा सौंप कर जाएं। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं और अपना फ़ोन नंबर आपको देना चाहता हूं कि यदि आपको मन बने तो आप एक बार संपर्क कर लें
और पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम को कैसे हम विधिवत लागू कर सकते हैं, इसको बारीकी से समझ लें। मेरा नंबर है 8755449866। नाम है भारत भूषण त्यागी। जब भी आप याद करेंगे, कभी संकोच ना करें कि रात हो रही है कि दिन हो रहा है, यदि मैं फ़ोन पर खाली हूँगा तो आपका नंबर मेरे याद रहेगा, मैं बात करूँगा। पर बात एक ही है कि इस देश को मित्रता के रूप में, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, ये भारत मित्र भाव के साथ दुनिया के साथ खड़ा है। ये हमेशा यहाँ से मित्र भाव की बयार बहती है, इसलिए हम सभी मित्र हैं। ये सुरेश देसाई मंच पर बैठे हैं, ये मेरे पुराने मित्र हैं। बिटिया है मेरे परिवार की है, मेरा मनीष जो रेडू जी हैं, मनवीर जी, ये मेरे मित्र हैं। ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी की तपस्या को लगाया है। आप इनकी बातों को गंभीरता से सुने, एक एक टुकड़े में काम करके हम अपनी माला को इस देश के लिए कैसे बना सकें। और आदरणीय, फिर मैं नाम लेता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, यशस्वीपन उनका, तपस्वीपन उनका क्या कहा जाए, किस तरीके से सोचकर देश के लिए, किसानों के लिए रास्ते खोलते हैं, कृषि को व्यापार नहीं व्यवसाय के जरिए कैसे बढ़ाना है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को कैसे खड़ा करना है। इस देश में एक नया आह्वान हुआ है, किसानों की ताकत की ज़रूरत है, ये ताकत जगे, राष्ट्र जगे, इस कामना के साथ आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।